लेट्स गो गाइस, फाइनली हमको पता चल चुका है कि वर्ल्ड बॉस लेजेंड कौन सा होने वाला है, क्योंकि मार्च अपडेट का की आर्ट आ चुका है। और हाँ गाइस, फाइनली होली भी आ गई है, तो सबसे पहले आपको हैप्पी होली, मजे करो, ऐश करो, लेकिन थोड़ा संभाल के, ठीक है। तो चलो अब बात कर लेते हैं फटाफट से मार्च अपडेट की आर्ट के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, जो कि है गिवअवे के बारे में। यस गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है लाइव स्ट्रीम, कल वाला लाइव स्ट्रीम है। आपको पूरा लाइव स्ट्रीम देखने की जरूरत नहीं है, शुरू के 10 मिनट भी अगर आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे गिवअवे हो रहा है और क्या क्या करना है वहां पे, क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। मैंने इस गिवअवे में आपको डेट नहीं बताया है कि कब मैं गिवअवे करने वाला हूं। देखो, अभी ये गिवअवे हुआ नहीं है, मैंने अनाउंस किया है कि मैं करने वाला हूं, और कब करने वाला हूं, ये गिवअवे होने वाला है अप्रैल में। तो यस, चलो अब देख लेते हैं कि आर्ट में क्या क्या दिखाया है इन्होंने और कितना अच्छा बनाया है इन्होंने इसकी आर्ट को। लेट्स गो गाइस, दिस इज सम फ्रेगमेंट ऑफ मार्वल फ्यूचर फाइट एजेंट्स। आर यू रेडी टू फेस कॉस्मिक इविल एंड सेलिब्रेट द स्पेशल लुक ऑफ आवर हीरोज। हीरोज मतलब इसमें हीरो, मतलब हीरो वाला हीरो नहीं होता है, हीरो विलेन वाला हीरो होता है, ठीक है। ओके, द थीम ऑफ द मार्च अपडेट इज ब्लैक स्वैन। ओके, तो उस लड़की पे ये अपडेट हो रहा है, और यहाँ पे लिखा है चेक आउट द न्यू सुपर विलेन ब्लैक स्वैन, ठीक है। ये विलेन होने वाली है, हमको पता है, टीयर 3 पे आ रही है, ये भी पता है। लेकिन जो चीज हमको नहीं पता था, या फिर जो चीज हम नहीं सोच रहे थे, या फिर बहुत सारे लोग नहीं सोच पा रहे थे, काफी लोग बोल रहे थे बियॉन्डर होगा, ये होगा, फलाना होगा, ढिमका होगा, तो यहाँ पे इन्होंने कंफर्म कर दिया है, हु इज अ वर्ल्ड बॉस एज वेल। मतलब ब्लैक स्वैन ही वर्ल्ड बॉस लेजेंड होने वाली है, नया वर्ल्ड बॉस लेजेंड ये लड़की होने वाली है। भाई साहब, यही होने वाली है, इसी का वर्ल्ड बॉस लेजेंड आ रहा है। और नीचे यहाँ पे लिखा है एंड द न्यूएस्ट थेनोस यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म मिल रहा है थेनोस को पक्का 100% गारंटी के साथ में। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, काफी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, काफी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई क्या ये स्पेशल यूनिफॉर्म होने वाला है, क्या ये अगेन फिर से अप्रैल फुल वाले जैसा यूनिफॉर्म होने वाला है। तो नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं होने वाला है, ये यूनिफॉर्म आपको 1500 क्रिस्टल में मिल जाएगा डिस्काउंट लगा के, ठीक है। और अगर इसकी आर्ट के बारे में बात करूं मैं, तो भाई साहब ये मुझे वन ऑफ द वर्स्ट, सबसे बुरा, आज तक मैंने ऐसा की आर्ट नहीं देखा था, मतलब कतई आथू वाला की आर्ट है। देखो अभी तुम लोग सोचोगे यार हर बार तुम बुरा ही बोल रहे हो, क्या खराबी है इसकी आर्ट में, क्या मतलब क्या ये की आर्ट जैसा तुमको दिख रहा है, मतलब कुछ फील आ रहा तुमको? ये चीज तो हमने स्नीक पीक में भी देख लिया ना, सेकेंड स्नीक पीक में भी तो हमने ये सारी चीजें, ये सीन देख लिया ना, ये लड़की का ऐसा पिछवाड़ा देख लिया, और थेनोस चचा का ऐसा वो सब देख लिया, वही फिर से दोबारा से कुछ, मतलब कियाट ऐसा होता है, ये होता है कियाट, देखो यहाँ पे ऐसा ऐसा, ये सब कियाट होते हैं, इसको बोलते हैं कियाट, बेस्ट कियाट ये वो। अगर तुम मतलब ऐसा फोटो के नजरिए से देख रहे हो तो फिर ठीक है, ये फोटो दिखा रहे हैं ये लोग, वैसे मार्बल वालों की भी गलती नहीं है, क्योंकि दो ही कैरेक्टर आ रहे हैं, तो अभी कियाट में क्या ही घुसेड़ देंगे ये लोग, ठीक है, तो वो बात अलग है। बट अगर ऐसा कियाट के नजरिए से देखो तो भाई ये मुझे ना, ये अगर वोटिंग हुआ ना कि बेस्ट टू वर्स्ट की आर्ट, तो ये वर्स्ट में जाएगा, पक्का मान के चलना। प्लीज लुक फॉरवर्ड टू अपकमिंग अपडेट, ठीक है। और हाँ, अपडेट से ज्यादा है मुझे कुछ 26 MB का अपडेट आया है, तो सर्वर पे जो 26 MB का सर्वर पैच आया वो थोड़ा सा मुझे इंपोर्टेंट लगा। देखो ये है सर्वर पैच और ये अपडेट आया था, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, सर्टेन गाइडेंस टेक्स्ट इन वर्ल्ड बॉस, ठीक है, टूडेज वर्ल्ड बॉस चेंज हैज बीन मॉडिफाइड। क्या लिखा हैज बीन मॉडिफाइड, अभी मैं आपको वर्ल्ड बॉस में लेके जाके दिखाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है टुडेज वर्ल्ड बॉस विल बी इम्प्रूव्ड इन मार्च अपडेट, मतलब वो तो हमको पता ही है। प्लीज रीजनरेट द गेम टू अप्लाई पैच, ठीक है। टुडेज वर्ल्ड बॉस चेंज, ये जो यहाँ पे मेन चीज लिखा है ना, अगर हम इस पे ध्यान दें और अगर गेम में जाएं, तो भाई एक चीज बस, ये लोग एक चीज कर दें, एक काम कर दें ना, हम बहुत खुश हो जाएंगे। क्या करना है देखो यहाँ पे, अरे यार ये VIP 1 वाला अकाउंट है, एक मिनट रुको मैं दूसरे आईडी में जाता हूँ। और हाँ गाइज, इस आईडी में मेरा वर्ल्ड बॉस क्लियर हो गया है, तो आज रात को फर्स्ट टाइम खेलेंगे वर्ल्ड बॉस लेजेंड इन दिस न्यू आईडी, ठीक है। तो अगर आपका वर्ल्ड बॉस लेजेंड क्लियर नहीं हो रहा है तो आप लाइव स्ट्रीम में देख सकते हो, आज वाले लाइव स्ट्रीम में हम फर्स्ट टाइम क्लियर करेंगे इस वाले नई आईडी में वर्ल्ड बॉस लेजेंड नल। यस, अभी मजा आएगा रात को, आज तुम लोग रावण को मारोगे, हम गेम वाले रावण को मारेंगे। ओके, तो यस मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं क्या कहना चाहता था। देखो वर्ल्ड बॉस में अगर एक चेंज हो गया भाई साहब, सिर्फ एक चेंज कर दो मार्बल वालों, हम बहुत खुश हो जाएंगे। क्या करना है, ये देखो ये जो चेंज का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे ना,
इस वाले में तुम वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट का हटा दो भाई, चैन सबसे हटा दो, प्लीज हटा दो यार, रिमूव कर दो ये प्रॉक्सिमा। अभी देखो यहाँ पे ये आया है मेफिस्टो आया, मैंने खेला या नहीं खेला, एक मिनट देख लेता हूँ मैं। हाँ खेल लिया, देखो मैंने यहाँ पे मेफिस्टो खेल लिया, मेफिस्टो आया। अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ तो अभी देखो अल्टीमेट भी ये लो, देखो ये आ गई सुपर जेंट। भाई इस चीज को हटा दो यार, बहुत ही ज्यादा गोल्ड वेस्ट हो जा रहा है। अगर हम वर्ल्ड बॉस लेजेंड को चेंज कर रहे हैं तो वर्ल्ड बॉस लेजेंड ही चेंज होके आना चाहिए ना। क्या मतलब तुम वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट दे रहे हो यार, ये चीज हटा दो भाई, प्लीज हटा दो। और जो नया वर्ल्ड बॉस आने वाला है, जो लड़की आने वाली है, वो भी ऐसे सुपर जायंट की तरह होगी या फिर प्रोक्सीमा की तरह मान लो, मतलब वो भी तो लड़की ही है लेकिन वो लेजेंड में होगी। और जो मेन चीज देखना है वो है रिवॉर्ड भाई साहब। यहाँ पे जो रिवॉर्ड तुमको दिख रहा है ना, CTP, सबसे पहले तो हमको देखना है कि CTP कौन सा दे रहे हैं ये लोग नए वर्ल्ड बॉस में। क्या लगता है आपको कि क्या ये लोग माइटी अंडा देंगे, माइटी नहीं रेस तो नहीं दे सकते या फिर इनसाइट? नहीं, इनसाइट भी देखो, इनसाइट भी बहुत तगड़ा है और रेस भी बहुत तगड़ा है, तो मुझे लगता है माइटी अंडा देंगे, माइटी रिफाइनमेंट। और वो लड़की आ रही है, उस लड़की के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री जानना पड़ेगा यार। एक तो मैं कॉमिक वॉमिक पढ़ता नहीं हूँ, तो थोड़ा सा हिस्ट्री अगर किसी को पता है तो बता देना। वो गुस्से जैसे जैसे एक किंग है, ग्रीडी आदमी, पूरा दुनिया को कंक्वर करना चाहता था इसलिए इसमें ग्रीड दिया है, ठीक है। एक एक लॉजिक है भाई सबका। ये देखो अल्ट्रॉन में डिस्ट्रक्शन दिया है क्योंकि ये बहुत डिस्ट्रक्टिव था, मतलब ऐसा सबको बर्बाद करने में तुला हुआ था वो आयरन, उसमें देखा था ना एंड गेम या फिर इन्फिनिटी वार वाले में, तो ऐसा सबका सीन है, ठीक है। तो हर हर कैरेक्टर को जो CTP दिया गया है ना, वो एक स्पेसिफिक रीजन की वजह से दिया गया है। तो वो लड़की को कौन सा CTP दिया जाएगा, अगर किसी को उस लड़की के बारे में ज्ञान है तो प्लीज कमेंट करके बता देना कि हाँ उसको कौन सा CTP मिल सकता है। लाइक इनसाइट, इनसाइट मतलब ऐसा सपोर्ट वाला, और इनसाइट, हाँ इनसाइट हो सकता है क्योंकि वो थेनोस के ग्रुप की है और वो थेनोस, ओके तो हाँ इनसाइट हो सकता है, माइटी इनसाइट भाई बढ़िया रहेगा यार। वो बहुत जरूरी CTP है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट CTP है। और एक तो है रिफाइनमेंट, हाँ मतलब देखो पेशेंट और ट्रांसेंडेंस में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर उन्होंने पेशेंट, माइटी पेशेंट और माइटी ट्रांसेंडेंस, भाई कौन खेलेगा उसको फिर ठीक है, तो वो छोड़ दो। हाँ इनसाइट हो सकता है मुझे जहां तक लग रहा है, ठीक है देखते हैं। और हाँ बाकी देखना ये रहेगा कि मटेरियल्स में, लाइक अभी रुक जा भाई, मटेरियल्स में ये लोग कितना इंक्रीज करके देते हैं। लाइक ये जो मतलब Tier 3 मटेरियल है और Tier 4 मटेरियल, स्पेशली कहाँ गया वो, ये ब्लैक एंटी कार्बोनेडियम और लाइफ सीड, ये चीज देखना होगा कितना ज्यादा इंक्रीज करके देते हैं या फिर क्या कुछ एक्स्ट्रा देते हैं वर्ल्ड बॉस न्यू लेजेंड में। बाकी तो और सब कुछ है हमारे पास। और हाँ कितना ज्यादा डिफिकल्ट बनाते हैं भाई साहब, इरिटेट नहीं होना है हमें ये, मतलब क्या मतलब है तुम वर्ल्ड बॉस दे रहे हो हार्ड, हार्डर के नाम पे बस इतना इरिटेशन कर दो कि कोई बंदा खेले ही नहीं। अब लाइक जीन ग्रे भाई साहब इतना इरिटेट कर देती है, एक तो फ्यूनिक्स मटेरियल दे रही है, कोई इसको खेल ही नहीं रहा, ठीक है ये फ्यूनिक्स मटेरियल दे रही है, फ्यूनिक्स फेदर, एमकरन क्रिस्टल, इसकी वजह से इसको ज्यादातर लोग नहीं खेलते हैं क्योंकि वो कैप हो जाता है पहली बात तो, और दूसरी बात तो इतने ज्यादा म्यूटेंट कैरेक्टर को बिल्ड करने की जरूरत है नहीं, तो ये हो गया। हाँ अगर CTP की बात करें तो अथॉरिटी दे रहे हैं, सबसे बढ़िया वाला CTP है और इसके लिए अगर कोई खेल रहा है तो खेल रहा है, तो भाई हमको इरिटेशन नहीं चाहिए, ठीक है इरिटेट मत करना प्लीज, ऐसा स्मूथ, ऐसा थोड़ा सा मजेदार गेम प्ले वाला ऐसा बॉस देना ताकि मजा आए खेलने में। और भी बहुत कुछ चेंज हो सकता है क्योंकि भाई इतना छोटा अपडेट, मेन अपडेट है यार, इतना छोटा अपडेट तो मतलब ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, मतलब ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। लाइक कि मतलब एक यूनिफॉर्म आ रहा है, एक वर्ल्ड बॉस आ रहा है और बस हो गया अपडेट, इसका ही तो यूनिफॉर्म आ रहा है ना, और तो कोई यूनिफॉर्म आ नहीं रहा है। वो जो लड़की आ रही है वो प्लेबल, मान लो प्लेबल कैरेक्टर होगी, तुरंत इंस्टेंट हम उसको अनलॉक करके खेल सकते हैं, तो दो कैरेक्टर हो गए, उसका तो यूनिफॉर्म ही नहीं रहेगा। तो भाई मुझे ना कुछ ऐसा लग रहा है कि अंदर कुछ और माल होगा जो वो लोग हमको नहीं दिखा रहे हैं, और कल लाइव स्ट्रीम में वो लोग हमको दिखाएंगे और पेज नोट में बताएंगे, तो कल डिटेल में पता चलेगा। बाकी ऊपर ऊपर से तो भाई बहुत छोटा सा अपडेट लग रहा है, थेनोसिजा का यूनिफॉर्म आ रहा है, बाकी वो लड़की आ रही है, बस एंड खत्म। तो देखते हैं कल लाइव स्ट्रीम में क्या होता है। बाकी हाँ ये वाला लाइव स्ट्रीम जरूर देख लेना अगर नहीं देखा है तो, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।